नमस्कार दोस्तों, नया अपडेट आने के बाद यहां पर आप कैसे चेक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। दोस्तों यहां पर एक नया अपडेट आ चुका है, अब आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या लिंक ही नहीं है। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप बढ़िया आसानी से पता कर सकते हो आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या लिंक ही नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पर सर्च बार में सर्च करना, यहां पर आपको सर्च करना UIDAI, आपको यहां पर UIDAI लिख के सर्च करेंगे। जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहला ही वेबसाइट आपको देखने मिलेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहां पर आने के बाद क्या करेंगे, सिंपली आपको देखने मिलेगा इंग्लिश। बस क्या करना, इस इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर आपको इस तरह से देखने मिलेगा। बस क्या करेंगे, यहां पर आपको देखने मिलेगा क्रॉस का आइकन। बस अगर इस तरह से आता है तो यहां पर क्या करेंगे, इस क्रॉस आइकन पर यहां पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पर हट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आधार सर्विसेस। बस क्या करना, सिंपली आपको आधार सर्विसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे लोडिंग लेगा। आपको यहां पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर देखेंगे आपको नीचे देखने मिलेगा वेरीफाई एन आधार नंबर। बस क्या करना, आपको वेरीफाई एन आधार नंबर इस जगह आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे यहां पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक नया अपडेट आ चुका है। पहले जो चेक करने का जो प्रोसेस था वो बदल चुका है, लेकिन अब जो यहां पे प्रोसेस आया है, एक नया प्रोसेस आ चुका है। तो आपको इस तरह से देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके आपको यहां पर नीचे आएंगे। जैसे आप यहां पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा चेक आधार वैलिडिटी। बस क्या करना, आपको चेक आधार वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंटर आधार नंबर, यानी आप जो भी आधार नंबर का चेक करना चाहते हैं उस आधार नंबर पे कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, उस आधार नंबर को आपको यहाँ पर सही सही फिलअप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर को सही सही फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना आधार नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको देखने मिलेगा नीचे कैप्चा। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर आपको यहाँ पर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश का बटन देखने मिलेगा। इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैप्चा चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना कैप्चा को सही सही फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना कैप्चा और आधार नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको देखने मिलेगा प्रोसीड। बस क्या करना, सिंपली आपको इस प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका आधार नंबर आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट, यानी आपका यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका एज बैंड देखने मिलेगा, जेंडर देखने मिलेगा, उसके बाद आप कौन सा स्टेट है स्टेट देखने मिलेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका मोबाइल नंबर, यानी आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसका लास्ट 3 डिजिट यहाँ पर आपको शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाला 3 डिजिट आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इसी से आप पता अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर लिंक है। यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाला 3 डिजिट यानी 3 अंक लास्ट वाला यहाँ पर शो कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे आपको नंबर शो नहीं करेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आपके अगर आपके आधार कार्ड में अगर नंबर लिंक होगा तो यहाँ पे आपको लास्ट वाला 3 डिजिट यानी 3 अंक आपको यहाँ पर शो करेगा, यानी पूरा यहाँ पर शो नहीं करेगा। ये क्योंकि ये प्राइवेसी के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कि मेरा लास्ट वाला 3 डिजिट यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हो आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।